जो पीड़ित परिवार हैं उनको, हर परिवार को 10-10 लाख रुपए का सरकार मुआवजा देगी, और उनके परिवार में जो भी व्यक्ति है उनको, उनके परिवार के एक एक व्यक्ति को सरकार नौकरी देगी। अरविंद जी, सर, दिस इज द सेवन सच डेथ। एक हाई पावर्ड कमेटी बनाएंगे हम लोग इस पे एग्जामिन करने के लिए कि ये हादसे क्यों हो रहे हैं। ये दूसरा हादसा पिछले एक महीने में हुआ है, और ये हादसे क्यों हो रहे हैं, और इनको रोकने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आई हैव ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी। जैसे इनको भी नहीं पता कि वो ठेकेदार कौन था। जल बोर्ड के सीईओ से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई ठेका दिया नहीं हुआ है। अब इंक्वायरी में पता चलेगा, लेकिन मैं एक ही आश्वासन दे सकता हूँ कि जो भी लोग दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। जितनी भी धाराएं लगती हैं सारी धाराएं लगवाएंगे, उनको बख्शेंगे नहीं। सर, इन लेस देन अ मंथ दिस इज द सेवंथ डेथ, यस द सेकंड टाइम, एंड सेवन पीपल हैव डाइड। लोग शिविर में उतर के काम करते हैं और ये काफी साल से लगातार चल रहा है। कानूनी तौर पे ये गैर कानूनी है। यस सर, कानूनी तौर पे ये नहीं हो सकता, ये नहीं किया जा सकता। तो जो लोग भी ये कर रहे हैं उसके खिलाफ इस बार हम सख्त एक्शन लेंगे। अगर सख्त एक्शन नहीं लेंगे और ये जो हाई पावर्ड कमेटी है, हम ये एग्जामिन करेंगे कि हर जेई की और एई की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि वो अपने अपने एरिया में ये सुनिश्चित करे कि इस किस्म के सीवर के अंदर उतर के किसी भी इंसान को काम नहीं करने दिया जाए।